बरसात के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 नाबालिग बच्ची की मौत। मधुबनी जिले के सीमा से सटे सुपौल जिले के मरोना की घटना। कामरेल पंचायत के सिराखरिया गांव के चांप में जमा बारिश के पानी में नहाने गए थे 4 नाबालिग बच्ची, 3 की डूबने से हो गई मौत। मधुबनी जिले के सीमा से सटे सुपौल के मरोना प्रखंड में बरसात के जमा पानी में डूबने से 3 नाबालिग बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना कोसी दियारा इलाके के कमरेल पंचायत की है, जहां एक साथ पानी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कामरेल पंचायत के सिरखरिया गांव के चंपा में जमा बारिश के पानी में नहाने के दौरान 4 बच्चियां डूब गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते 3 की मौत हो गई, वहीं एक बच्ची को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर मरोना थाना की पुलिस पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों बच्ची भैंस चराने के क्रम में खेत की तरफ गई थी। इसी दौरान चारों बच्चे खेत के बगल में गहरे चांप में जमा बारिश के पानी में नहाने लगे। नहाते नहाते 3 बच्ची दलदल में फंस गईं, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग बच्चे को खोजने लग गए। पानी में डूबते बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश की गई, किसी तरह एक बच्ची को बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं 3 अन्य बच्चियों को भी काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसमें से 2 की मौत हो गई। मृत बच्चियों में राजमाल यादव के 10 साल की पुत्री मंजू कुमारी एवं 12 साल की पुत्री अंजलि कुमारी है, तो वहीं तीसरी बच्ची अरविंद कुमार की पुत्री ललिया कुमारी के रूप में उसकी पहचान हुई है। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल बन गया है। मरोना से संतोष मंडल की रिपोर्ट। जी, बच्चा लोग नहाने गया था, 3 को बच्चा था, तीनों नहा रहा था, नहाते नहाते डूब गया। जब पता चला तो एक आदमी बचाने के लिए गया, उसको खोजबीन करके 3 बच्चा निकला और जो बचाने गया था वो सुरक्षित सबको निकाला। 3 बच्चा का मौत हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप प्रकाश, मेरी वाइफ यहाँ पंचायत समिति है, स्थानीय पंचायत समिति।